हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सरवन खटक और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स ये क्या होते हैं और क्यों होते हैं। क्या होते हैं का मतलब गाइस ये होगा कि जो लेटर्स हैं इंग्लिश के जितने भी लेटर्स हैं 26 लेटर्स हैं, इनमें से कौन कौन से जो लेटर्स हैं उन्हें हम वॉवल्स कहते हैं और कौन कौन से लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं और क्यों होते हैं का मतलब ये है कि आखिर जब 26 लेटर्स हैं तो उनमें से कुछ को हम वॉवल्स क्यों कहते हैं और कुछ को हम कॉन्सोनेंट्स क्यों कहते हैं। तो आइए समझते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ये तो आप यकीनन स्कूल में पढ़ चुके होंगे। और ये बात भी बड़ी सिंपल है कि इनमें से वॉवल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यकीनन जानते भी होंगे, लेकिन ये क्यों होते हैं ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, ये हम आज वीडियो में खास तौर पर डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इनमें से वॉवल्स कौन से हैं और फिर कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। देखें वेरी सिंपल कि इनमें से जो पांच लेटर्स हैं उन्हें हम कहते हैं वॉवल्स। कौन से पांच लेटर्स? ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांच लेटर्स जो हैं इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है वॉवल्स। और जो इनके अलावा बाकी रह गए, अच्छा 26 में से जब पांच निकाल दें तो पीछे बच गए 21, तो बाकी जो 21 लेटर्स हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट सिंगुलर है और आप अगर एस लगा दोगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। कॉन्सोनेंट्स चूंकि ज्यादा हैं तो हम प्लूरल में यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये तो सिंपल हो गया बड़ा। ठीक है जी, ये ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवल्स हैं और जो इनके अलावा हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। कुछ लोग इनको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि वो लेटर्स के जो बोलते वक्त आपकी जबान जो है वो और आपके जो होंट है वो आपस में टच ना हो वगैरह वगैरह, इस तरह से डिफाइन कर दें। तो मेरा ख्याल में कि इसके अंदर इस टेक्निकलिटीज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। पांच इनमें से वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, वेरी सिंपल, और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं। अच्छा, बाकी कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं वो हम लिखते नहीं है। ठीक है, बाकी जो पीछे बच गए वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं, अपना टाइम बचाने के लिए हम नहीं लिखते हैं। अब अहम बात यह है कि ये जब 26 लेटर्स हैं तो आखिर क्या वजह है कि उनमें से पांच को हम कहते हैं कि भाई आप वॉवल्स हैं और 21 को हम कहते हैं, 21 को हम कहते हैं कि आप कॉन्सोनेंट्स हैं। तो असल में इनको अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं, तो ये बात जरा समझिएगा। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि हम सब इंसान हैं। ठीक है जी, अच्छा सब इंसान हैं, फिर इंसानों में से हर इंसान के काम के एतबार से हम उसे एक और नाम देते हैं। बहुत सारे नाम देते हैं लेकिन काम के एतबार से भी हम एक नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता हूं, मेरा काम है पढ़ाना, तो चूंकि मेरा काम पढ़ाना है तो अब जो शख्स पढ़ाता है उसे हमने एक नाम दे दिया कि भाई जो पढ़ाएगा उसे हम टीचर कहेंगे। ठीक है जी, जो पढ़ाता है वो टीचर हो गया। अच्छा जी, अब एक शख्स जो इलाज करेगा, हमारी तकालीफ दूर करेगा, बीमारियां दूर करेगा, उसे क्या कहेंगे? उसका भी एक नाम रख दिया कि भाई जो तकालीफ दूर करेगा उसे हम कहेंगे डॉक्टर, उसे हम डॉक्टर कहेंगे। ठीक है, ये डॉक्टर हो गया। अच्छा जी, जो शख्स हमारी गाड़ियां चलाएगा, मिसाल के तौर पर बस चलाता है, ट्रक चलाता है, ट्रॉलर चलाता है या कार भी चलाता है जाती तौर पर, उसे क्या कहेंगे? ले जी वो ड्राइवर कहलाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम हर काम के एतबार से उस शख्स के एक नाम रख देते हैं कि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होगा, जहाज उड़ाने वाले को हम पायलट कहेंगे, और जो मिसाल के तौर पर जो खेती बाड़ी करेगा उसे हम फार्मर कहेंगे, यानी किसान, उर्दू में किसान कहते हैं, किसान कहेंगे। इस तरह से फिल्म में देखिए भाई, जो ये काम करेगा वो डायरेक्टर कहलाएगा, जो ये काम करेगा वो बूम ऑपरेटर होगा। तो काम के एतबार से हम नाम रख देते हैं सबका। इन द सेम वे जिस तरह सब इंसान है तो इसी तरह सब लेटर्स हैं। ठीक है, ए से लेकर के जेड तक सब लेटर्स हैं, उनमें से काम के एतबार से हमने कुछ को कहा कि भाई आप वॉवल्स हैं और आप कॉन्सोनेंट्स हैं। अब वो काम क्या है ये जरा समझ लीजिएगा। देखें, ये तो आप जानते हैं कि हर लेटर जो है वो एक आवाज को रिप्रेजेंट करता है। ए एक आवाज को रिप्रेजेंट करता है, जब भी ए किसी वर्ड में आता है तो ए को देखकर आप एक खास आवाज निकालते हैं। ठीक है ना जी, मिसाल के तौर पर यहां पर ये लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट। अब देखिए, ये कॉन्सोनेंट आप ए आ गया तो आपने या ए के लिए एक आवाज निकाली। इसी तरह से टी है तो टी भी एक आवाज को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से सी भी एक आवाज को रिप्रेजेंट करता है, एस भी करता है, ओ भी करता है। हर लेटर जो होता है वो एक एक आवाज को रिप्रेजेंट करता है। ए की अपनी आवाज है, बी की अपनी आवाज है, सी की अपनी आवाज है, जो हम वर्ड्स में फिर आप निकालते हैं जब आप बोलते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है ना, यहां तक बात हो गई। अब ये तो गई इनकी अकेले की आवाज, यानी मिसाल के तौर पर ए, तो अब ए की अपनी एक अकेली आवाज है। इसी तरह से बी, ठीक है जी, अब बी की अपनी एक अकेली की आवाज है। सी, इसकी अपनी एक आवाज है। जेड या जी, इसकी अपनी एक आवाज है। अच्छा जी, टी
ठीक है, अपनी आवाजें। तो देखिए हर लेटर की अपने अकेले अकेले एक आवाज होती है, हर लेटर की अकेले आवाज होती है। फिर लेटर से मिलकर क्या बनते हैं, लेटर से मिलकर आपको पता है कि हम लोग फिर वर्ड्स बनाते हैं। लेटर से मिलकर वर्ड बना, मिसाल के तौर पर हमने ए, इसके साथ हमने दो लेटर और लगा दिए, चलिए एन लगा दिया और डी लगा दिया, तो क्या बन गया एंड, एंड बन गया। अच्छा जी बी है, हमने इसे दो लेटर और लगा दिए और ये हमने बना दिया बुक। इस तरह सी है, सी के साथ हमने चीज दो लेटर और लगा लेते हैं ए डी कैट। तो इस तरीके से देखें, ए की अपनी साउंड है, एन की अपनी है, डी की अपनी है, फिर इन तीनों के मिलकर एक कलेक्टिव साउंड बनी है एंड। ए की अपनी साउंड, एन की अपनी साउंड, डी की अपनी साउंड, तीनों के साउंड को मिलाया तो एक अलग नई साउंड बनी जिसे हम कहेंगे एंड। क्या पढ़ेंगे एंड। इसी तरह से बी की अपनी साउंड, ओ की अपनी, ओ की अपनी, के की अपनी, तीनों की मिलाई हमने तो एक नई साउंड वजूद में आई जिसे हम बोलेंगे बुक। तो इस तरीके से लेटर्स की अपनी अपनी साउंड, और फिर जब लेटर्स को मिला देते हैं जिन्हें हम फिर वर्ड्स कहते हैं, तो वर्ड की अपनी एक साउंड। ठीक है जी, यहां तक बात हो गई। अब समझिए असल पॉइंट, देखिए जब हम लेटर्स को मिलाते हैं, ये तो पता है ना वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव सम सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है जी, अल्फाज का कॉम्बिनेशन, अल्फाज का ग्रुप, सॉरी लेटर्स का ग्रुप, लेटर्स का ग्रुप ए बी सी डी मिलके चार पांच लेटर्स मिले, उन्होंने ग्रुप बनाया, और फिर उस ग्रुप का एक मतलब भी हो, जैसे एंड का एक मतलब भी है, बुक चार लेटर्स हैं इनका एक मतलब भी है, तो जब उनका एक मतलब भी है तो बोलेंगे ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। और अगर इन लेटर्स का कोई मतलब नहीं बन रहा हो तो वर्ड नहीं कहते हम उसको। ठीक है ना जी, कुछ भी कहें वर्ड नहीं कहते। अब समझिएगा कि जब हम लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं तो उसमें से हर लेटर की अपनी अपनी साउंड होती है, अपनी अपनी साउंड तो ठीक है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लेटर्स होते हैं ये जब आपस में मिलकर एक आवाज बनाते हैं तो ये अपनी आवाज उस वक्त तक नहीं बना सकते कि जब तक ये कम से कम एक वॉवल की हेल्प ना ले लें। यानी मिसाल के तौर पर ए ई आई ओ यू, ये पांच लेटर्स हैं, पीछे बच गए कितने 21। ठीक है जी, 21 बच गए। अब समझेगा बात को, अगर ये 21 के 21 मिल भी जाएं तब भी वर्ड नहीं बना सकते। ये वर्ड क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से ये आवाज नहीं बनेगी किसी वर्ड की, जो वर्ड की आवाज है अपनी अपनी तो बन जाएगी सबकी, वर्ड की आवाज नहीं बनेगी। एक वर्ड की कंप्लीट आवाज बनाने के लिए इनको कम से कम एक वाविल की मदद तो चाहिए ही चाहिए, यानी एक वाविल तो लाजमी इनके पास हो। जब तक इन लेटर्स के पास वाविल नहीं होगा ये अपनी आवाज नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि जो कंसोनेंट्स होते हैं ये वाविल की हेल्प के बगैर आवाज पैदा नहीं कर सकते। वाविल तो बना सकते हैं, वाविल आपस में मिलकर तो आवाज बना लेंगे, लेकिन वाविल कंसोनेंट्स के साथ जब तक वाविल नहीं आएगा ये आवाज नहीं बना सकते। तो मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि वर्ड्स में असल में आवाज पैदा करने के लिए जो लेटर्स चाहिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं वॉवल्स। तो जब तक ये वॉवल नहीं होगा किसी वर्ड के अंदर उसकी आवाज भी नहीं बनेगी। हम ट्राई करके देख लेते हैं, चले हमने यहां पर ये एक वर्ड लिखा है एंड। ठीक है जी, इसी एंड को ले लेते हैं हम यहां से, इसको एक लकीर मार के थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। अब ये वर्ड देखिए एंड, इसमें है तीन लेटर्स ए एंड डी। ठीक है जी, ए एंड डी। अब हम करते हैं कि इसमें से एक एक लेटर को गायब करके देखते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं। देखें इसमें आपको ये तो पता ही है कि इसमें एक वॉवल है, इसमें एक वॉवल है, कौन सा वॉवल है ए, इसमें वॉवल है, और जबकि एन डी ये दोनों कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना, ए ई आई ओ यू ए वॉवल है, ये रहा मौजूद है, और बाकी एन डी कॉन्सोनेंट है। अब देखिए इसकी एक आवाज है एंड, मैं पढ़ रहा हूं एंड। अब देखिए इसमें से हम लेटर्स को गायब करके देखते हैं, पहले हम कॉन्सोनेंट को गायब करते हैं फिर हम वॉवल को गायब करते हैं। चले कॉन्सोनेंट को गायब करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, हम लोग डी को गायब करते हैं, हमने डी को मिटा दिया। जब हमने डी को हटा दिया तो पीछे क्या बचा, ए और एन। अब देखिए जब हम इसको ए और एन, अब अगर मैं बोलते इसको पढ़ें तो आप इसको पढ़ लेंगे एन, आप इसको पढ़ेंगे एन, आवाज बन रही है, आपने पढ़ लिया बड़े मजे से। ठीक है जी, अब अगले मरहले में हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम डी को शामिल कर देते हैं, डी शामिल है एन गायब कर देते हैं हम लोग, डी शामिल है एन गायब कर दिया। ठीक है जी, एन गायब हो गया तो अब हो गया ए और डी। अब क्या पढ़ेंगे, अब इसको एड,
आप इसको एड पढ़ लेंगे. पहले मैंने गायब किया डी, तो आपने एन पढ़ लिया. एन गायब किया मैंने, तो आपने इसको एड पढ़ लिया. अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब हम तीसरे मरहले पे करते हैं कि नहीं, हम कहते हैं यार ठीक है, हम जो है वो एन को भी रहने देते हैं और डी को भी रहने देते हैं, दोनों को रहने देते हैं, और हम लोग ए को गायब कर देते हैं. अब देखिए, अब आप मुझे पढ़ के बताइए और मेरे से इनाम ले लीजिए. अब बच गया एन डी. अब इसको पढ़ के बताइए. आप देखिए, इसको पढ़ा ही नहीं जा सकता है. इसको आप एन डी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह आपने इसको बतौर एक वर्ड के पढ़ लिया एन, इसको आपने पढ़ लिया एड, आप देखिए इसको आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते. आप उसे नर्ड या निट पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो गलत होगा, क्योंकि नर्ड के अंदर यू के साउंड है, निट के अंदर आई के साउंड है. साउंड इसमें क्योंकि वॉवल नहीं है, तो जैसे ही हमने वॉवल को गायब किया इसमें से, देखिए आवाज भी गायब हो गई. एक और मिसाल लेते हैं. चले हम मिसाल के तौर पर यहां पर मौजूद है लफ्ज कैट, हम कैट को ले लेते हैं. ठीक, कैट की मिसाल ले लेते हैं. यहां पर लिखते हैं हम कैट को. ये रहा कैट, कैट. अब कैट में क्या है, सी ए टी, कितने वॉवल थे इसमें, ए की वॉवल है इसके अंदर ए. अब इसको भी हम उसी तरह से गायब करते हैं, पहले हम टी को गायब करते हैं. जब टी गायब हुआ इसमें से, टी गायब हुआ तो पीछे क्या बचा, चले हम लाल पेन से लिख लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए और टाइम हमारा कम खर्च हो. हमने टी को गायब किया तो पीछे क्या बचा, सी और ए. क्या पढ़ेंगे इसको, का के, जो ही पढ़ना चाहे आप. का अगर आवाज उठाएंगे तो का पढ़ेंगे, और अगर नहीं उठाते तो के हो जाएगा. ठीक है जी, चले जी टी को नहीं गायब करते, हम टी को रहने देते हैं, टी मौजूद है जी. सी गायब करते हैं, पीछे क्या बचा, एट. क्या पढ़ेंगे हम इसको, एट. पढ़ लिया आपने इसको भी, देखो आवाज निकल रही है. अब हम क्या करते हैं, सी भी रहने देते हैं और टी भी रहने देते हैं, हम ए को गायब करते हैं. अब देखें क्या बचा, सी टी. अब देखिए आप, इसकी कोई भी आवाज नहीं बन रही, इसकी कोई भी आवाज नहीं बन रही. सीटी तो पढ़ सकते हैं, कोई वर्ड नहीं पढ़ सकते आप इसको. तो क्या देख रहे हैं हम लोग, कि वर्ड जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो वॉवल्स के बगैर आवाज ही पैदा नहीं कर सकते. तो वॉवल्स, इनको वॉवल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लेटर्स के जो आवाज पैदा करते हैं, जो साउंड प्रोड्यूसर हैं, वो कहलाते हैं वॉवल्स. एक मिसाल हम और ले लेते हैं, ठीक है ना. चले मिसाल एक और छोटा सा वर्ड ले लेते हैं, फिश. ठीक है जी, फिश ले लिया हमने. अब इसमें कितने वॉवल्स हैं, फिश में कितने वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स हैं. इसमें कितने वॉवल्स हैं, एक वॉवल आई. ठीक हो गया. अब इसको गायब करके देखते हैं, और पहले हम लोग कॉन्सोनेंट्स को गायब करते हैं. अच्छा जी, हमने पहले गायब किया एच को, एच को गायब किया. अब क्या बना, हमने पीछे से लिखा इसको अब एफ और आई एस. क्या पढ़ेंगे इसको, अब फिस. अब इसको अब फिस पढ़ लेंगे, फिश नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एस एच की आवाज, एस सी की आवाज निकलती है. अब आप इसको फिश पढ़ेंगे. ठीक है जी, अगले मरहले में क्या करते हैं जी, एच को रहने देते हैं हम लोग. एच को हम रहने देते हैं, हम एस को गायब करते हैं. एस को गायब किया हमने जी. अब ये हो गया एफ आई एच. अब क्या पढ़ेंगे इसको, फी. अब इसको पढ़ेंगे फी या फाइव, फी या फाइव, जो भी आवाज बना है. मतलब कोई नहीं है इसका, इस वक्त हमें मीनिंग से मतलब नहीं है. हम देख रहे हैं साउंड बन रही है नहीं बन रही, साउंड बन रही है ये देखना है. हमने एच गायब किया, सॉरी एस गायब किया, तो फाइव या फी एक आवाज बन गई. ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, हम जी एच को भी डालते हैं, सॉरी एस को भी डालते हैं और एच को, दोनों डाल दिए हम लोग. अगले मरहले पर हम एफ गायब करते हैं. अब हमने एफ गायब कर दिया, आई भी है, एस भी है और एच भी है. ठीक है जी, आई एस एच. अब क्या पढ़ेंगे इसको, आई एस एच, इश. क्या पढ़ेंगे, इश. इसी तरह से ईशा, नाम किसी का नाम ईशा होता है, तो इसी तरह से हम लोग आई एस एच के आगे ए लगाएंगे तो ईशा बन जाएगा. ठीक है ना, तो इश, इसके बाद क्या बनी, इश. पहले हमने एच को गायब किया, वो भी कॉन्सोनेंट था, एस को गायब किया, वो भी कॉन्सोनेंट है. अब हमने एफ को गायब किया, वो भी कॉन्सोनेंट है. तो जब हम कॉन्सोनेंट्स को गायब कर रहे हैं तो वॉवल मौजूद है, तो वॉवल साउंड बना रहा है. वॉवल बोल रहा है मेरे को एक भी साथी दोगे मैं साउंड बना लूंगा. ठीक है ना. अब देखें, अगर आप इस वजह दो गायब कर दें, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं भाई हम एफ भी गायब कर रहे हैं, एच भी गायब कर रहे हैं, खाली आई एस एस फिर भी आवाज बन गई. आप कहते हैं नहीं भाई हम जो है वो, मिसाल के तौर पर हम एस भी गायब कर रहे हैं, एच भी गायब कर रहे हैं, खाली एफ आई फाइव बन गई, फिर भी बन रही है. मतलब ये हुआ कि वॉवल कहता है कि भाईजान हटो बच्चो, मेरे को खाली एक आप बंदा दे दो, कोई भी इनमें से, तीनों में से कोई एक भी आप मुझे कॉन्सोनेंट दोगे मैं आवाज बना दूंगा. लेकिन मैं कौन हूं, वो कहता है मैं पुष्पा हूं, मैं नहीं होऊंगा तो आवाज ही नहीं बनेगी. अब देखो इसको गायब करते हैं हम लोग. अब हम आई को गायब करते हैं. ले जी, आई गायब हो गया, एफ भी एगा, एस भी एगा और एच भी एगा. यहां लिखते हैं
FBA, SBA, HBA, FSH. अब जी क्या आवाज बनेगी देखें, बन रही है कोई आवाज? नहीं, कुछ भी आवाज नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने वॉवल को गायब कर दिया। तो देखिए, जब तक वॉवल नहीं होता है, एक वर्ड अपनी साउंड नहीं बना सकता है। तो क्या समझे हम लोग कि असल में इनको दो कैटेगरीज के अंदर क्यों डिवाइड किया गया है? कुछ को वॉवल्स क्यों कहते हैं, कुछ को कॉन्सोनेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वॉवल्स वो लेटर्स होते हैं कि जिनके बगैर कोई भी वर्ड जो है वो साउंड पैदा नहीं कर सकता है। तो चूंकि कोई वर्ड साउंड ही पैदा नहीं कर सकता वॉवल के बगैर, इसलिए हर वर्ड में कम से कम एक वॉवल का होना जरूरी है, जैसा कि आपने यहां पर देखा। लेकिन अगर एक भी वॉवल नहीं है तो फिर साउंड ही पैदा नहीं होगी। और अगर बड़ा वर्ड है तो बड़े वर्ड को आपको पता है सिलेबल में डिवाइड करते हैं। सिलेबल आप यकीन सिलेबल पढ़ चुके होंगे, और अगर आपको नहीं पता कि सिलेबल क्या होते हैं तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप सिलेबल वाली वीडियो देखिएगा सिलेबल क्या होती है। और ये ऊपर भी आप आई का बटन भी आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, आप सिलेबल वाली मेरी वीडियो पर पहुंच जाएंगे, आप समझे सिलेबल क्या होता है। तो क्या होता है कि जब एक वर्ड बड़ा है और उसमें दो या तीन सिलेबल हैं, तो वहां भी हर सिलेबल के अंदर कम से कम एक वॉवल का होना जरूरी है। अब छोटी एक मिसाल ले लेते हैं और फिर वीडियो मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबी हो जाए, सांस फूल जाता हमारा। मिसाल है, कोई भी वर्ड ले लेते हैं, बड़ा वर्ड ले लेते हैं। चलिए हम एक वर्ड हमारे पास है मिसाल के तौर पर मिस अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। अब एक बड़ा वर्ड हमने ले लिया मिसअंडरस्टैंडिंग, अब इसके अंदर वॉवल कितने इसके अंदर सिलेबल हैं, सिलेबल वाली वीडियो देखेगा ताकि पता चले सिलेबल क्या होता है। मैं आपको अलग करके देता हूं, इसमें सिलेबल पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, तीसरे को हम यहां तक कर सकते हैं, तीसरा यहां तक हो जाएगा, चौथा और यहां तक कर सकते हैं। जी को चाहे तो इधर करते हैं, चाहे तो उधर करते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन होता है, हम कर सकते हैं। ये एक सिलेबल है एम आई एस मिस, इसमें देखिए ये आई हैगा, अन अन में ये रहा यू, डर डर में ये ई, अच्छा जी उसके बाद क्या है स्टैन स्टैन में ये ए हैगा, डिंग डिंग में ये आई हैगा। तो देखिए एक दो तीन चार पांच, इस एक वर्ड के अंदर पांच सिलेबल्स हैं और हर सिलेबल में एक एक वॉवल जो है मौजूद है। ये रहा वॉवल ये वॉवल और ये वॉवल, तो हर सिलेबल के अंदर एक वॉवल का होना कम से कम जरूरी है, क्योंकि हर सिलेबल की अपनी आवाज होती है। सिलेबल के लिए मेरी अलग से वीडियो आप देखिएगा ताकि आपको मजीद ये चीज क्लियर हो। तो गाइज आज की वीडियो में हमने ये समझा कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से पांच को हम कहते हैं वॉवल्स और बाकी 21 को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। और वॉवल्स का काम क्या होता है? वॉवल्स का काम होता है मदद करना कॉन्सोनेंट्स की आवाज पैदा करने में। जब तक वॉवल नहीं जाएगा तो उधर जाकर के आवाज पैदा नहीं कर पाएंगे कॉन्सोनेंट्स। अच्छा जी, इन 26 में दो लेटर्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम कहते हैं सेमी वॉवल। अब सेमी वॉवल क्या होते हैं, इसके लिए भी आप मेरी वीडियो देखिएगा, ठीक है, इसका भी लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और सेमी वॉवल वाली वीडियो पहुंच जाइए कि सेमी वॉवल क्या होते हैं असल में। यानी ऐसे दो लेटर्स हैं कि जो कभी वॉवल्स बन जाते हैं और कभी वो कंसोनेंट बन जाते हैं। तो ये क्या होता है इसको भी आप समझिएगा। वीडियो गाइज अगर पसंद आ गई हो तो कंजूसी मत कीजिए और लाइक के बटन को हिट मारिए। उसके बाद अगर चाहते हैं कि वीडियोस अच्छी हैं और आप देखना चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद जो है वो बेल के आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें। इससे होगा मैं जब भी वीडियोस बनाऊंगा तो आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी और कोई वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। और गाइज आप जानते हैं कि मैं इसके अलावा दूसरे जो टॉपिक्स हैं मेरे लेक्चर्स भी होते हैं, उन पर वीडियोस बनाता हूं, उनको भी जरूर देखिएगा और यकीन आपको पसंद आएंगी और आपकी लाइफ की बेहतरी में वो आपको बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सरवान खट्टक को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।